वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव कांत। आज इस इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़े हैं अमन बिश्नोई जी, जिन्होंने आरआरबी क्लर्क 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। चलिए सीधी बात करते हैं अमन से और जानते हैं उन्होंने ये एग्जामिनेशन को किस तरीके से पहले अटेम्प्ट में किया है, और जो भी फर्स्ट टाइमर्स हैं जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, शायद इनकी स्ट्रैटेजी आपके लिए काफी लाभदायक होगी। वेलकम अमन, बहुत खुशी है कि आज आप इस इंटरव्यू में जुड़े हैं। थैंक यू मैम। अमन, सबसे पहले अपने बारे में बताएं थोड़ा। मैं मेरा नाम अमन है, मैं रायपुरा गांव अभोर से मैम बिलोंग करता हूं, और मैंने जैसे ग्रेजुएशन 2020 में मैम की थी, उसके बाद मैंने मेरे एक सिस्टर हैं कंचन मैम, तो उन्होंने मेरे को सजेशन किया भाई आप एसएससी सीजीएल की तैयारी स्टार्ट कर दें, तो उन्होंने रिकमेंड किया एक बैच में ऑनलाइन गगन प्रताप सर का, तो वो मैंने मैम स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरे को ऐसे लगा भी एसएससी सीजीएल में टाइम लगता है मैम, प्रिपरेशन के साथ जॉब लेने में भी कुछ टाइम लगेगा, तो फिर मैंने मैम स्विच कर दिया मैं बैंकिंग जॉब की तरफ, क्योंकि बैंकिंग में मैंने सुना था मैम 1 ईयर के अंदर अंदर आपको जॉब मिल सकती है, इस तरह से स्टार्ट कर दी मैम प्रिपरेशन मैंने। सो अमन, आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया पहले ही प्रयास में किया। बहुत सारे बार लगता है कि पहला प्रयास है, कहीं इतने सारे लोग एक्सपीरियंस बैठते हैं, हम कैसे स्टैंड आउट करेंगे? मैम इसके लिए मैंने मैम मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी मैम वो अपनाई थी, तो मैं डेली मॉक टेस्ट लगाने की प्रयास करता था डेली मैम एक, और स्पेसिफिक स्ट्रेक्ट के ऊपर जो जो मेरा वीक टॉपिक था उसको मैम जो क्वेश्चन आ रहे थे जैसे मॉक टेस्ट में, तो कहाँ पे मेरी गलती हो रही है मैम उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था, इस तरह से मैम मैंने कंटिन्यू रखा ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट के अंदर मैम मेरे को सफलता हासिल हुई। अमन, इस एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, इतना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, थोड़ा सा बताएं कैसे आपने कंसोलिडेटेड स्ट्रैटेजी बनाई, एग्जामिनेशन को मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैसे समझा? मैम मैंने जैसे इंग्लिश का टॉपिक है मैम, तो इंग्लिश के लिए पहले मैंने मैम मेरे यूट्यूब पे मैम सर्च करता था भाई कैसे मैम इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि मैं गांव से हूँ तो मेरे को ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं थी, तो फिर मैंने मैम यूट्यूब पे सर्च किया, रैंडम कोई भी वीडियो हुई मैम उसको मैंने पिकअप किया, उसमें जैसे बताते हैं अभी आप जो है न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, तो मैम मैंने एडिटोरियल तो नहीं पढ़ा जैसे हिंदू न्यूज़पेपर का, तो जो जो मेरे को अच्छा लग रहा था मैम उस जो मेरे को न्यूज़ सिंपल और अच्छी लग रही थी उसके ऊपर मैंने फोकस किया, और इंग्लिश को ऐसे स्ट्रॉन्ग किया, और ग्रामर थी थोड़ी बहुत जो सीजीएल के अंदर प्रिपरेशन के अंदर ग्रामर आती है मैम, तो ग्रामर को मैंने पूरा मैम सिलेबस थ्रू आउट कर कवर किया इंग्लिश ग्रामर का, और मैथ के लिए भी ऐसे ही हर एक टॉपिक को मैम अच्छे से प्रिपेयर किया, कोई भी टॉपिक कोई भी गलती हो रही है तो एक एक क्वेश्चन है जैसे सीट है मैम उसको 3-4 बार मैंने सॉल्व किया, जैसे गगन प्रताप सर की जो सीट होती है तो उसको 3-4 बार मैंने सॉल्व किया, इसी तरह रीजनिंग के लिए जैसे रीजनिंग तो इजी होती है तो उसके लिए ज़्यादा वर्क करने की लोड़ नहीं, तो मेन जैसे बैंकिंग प्रिपरेशन है उसके अंदर मैथ और इंग्लिश का ही ज़्यादा फोकस रखा मैंने। कहते हैं पहला अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट होता है, लेकिन पहले अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन को समझा, ये इम्पोर्टेंट और ये बहुत ही बड़ी टास्क होते हैं। कैसे एग्जामिनेशन को इम्बाइब किया, प्रोसेस को इम्बाइब किया और अच्छे से रिफ्लेक्ट किया? वही है मैम, अलग अलग जैसे आप कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी मैम मैंने तो उसकी मैम जो बेसिक से बेसिक जो आइडेंटिटी है जैसे मैम ग्रामर के अंदर जैसे नाउन है तो नाउन को पहले जैसे सर का टॉपिक किया, उसके फिर मैम मैंने जो क्वेश्चन होते हैं पीडीएफ सॉल्व की टॉपिक वाइज, इसी तरह मैम मैं करता गया, और आखिर के अंदर इम्प्रूवमेंट मेरे को खुद को दिखने लगी मॉक टेस्ट लगाता था जैसे जैसे, तो इस तरह से मैम कवर हो गया सब, पहले तो मेरे को लगता था जैसे हो नहीं पाएगा मेरा, क्योंकि वो मॉक टेस्ट के अंदर पहली बार हमको नंबर नहीं अच्छे आते हैं तो डीमोटिवेशन से हमें मिलता है, तो फिर मैं मोटिवेशन के लिए गौरव सर का उस उनकी वीडियो देख लेता था कुछ मैम जो उनके करंट अफेयर जैसे मेंस में आते हैं गौरव सर के करंट अफेयर दी वैसे टू द पॉइंट जो क्वेश्चन मेरे को एग्जामिनेशन में देखने में वैसे ही करंट अफेयर गौरव गर सर भी करवाते हैं मैम सेम टू सेम। अमन, थोड़ा सा अपने स्केड्यूल के बारे में बताएं। पहले तो मैम जैसे मैंने 2020 में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो उस समय मैम कोरोना कोविड के लिए लॉकडाउन लग गया था,
तो मेरे साथ में जो बीएससी के एग्ज़ाम भी आए हुए थे, तो उस टाइम तो मैं खास कुछ प्रिपरेशन हो नहीं पाई, क्योंकि बीच में मैंने उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करती थी बीएससी की। तो जैसे अक्टूबर के अंदर 2020 के अंदर मेरा मैम जो बीएससी के एग्ज़ाम कंप्लीट हो, फिर मैंने मैम स्ट्रेटजी बनाई कैसे कैसे करना है। तो फिर मैं सुबह 6 बजे उठता था मैम, 6 बजे उठ के 7 से 8 जैसे इंग्लिश का कोई एक टॉपिक जो सबसे सब डिफिकल्ट था, तो उसको पहले प्रिपेयर किया मैम। जैसे मेरे को इंग्लिश इंग्लिश थोड़ी डिफिकल्ट लगती थी, तो मैं इंग्लिश का जैसे आर्टिकल पढ़ लिया, कोई बुक होगी वर्ड पावर जैसे बुक का मैम, उसको मैंने सारा थ्रू आउट कवर किया हुआ है। और कुछ ऐसे नाउन्स के, नाउन हो गए जैसे बुक होगी जैसे ग्रामर की, वो पढ़ ली। उसके बाद मैं 10 10 बजे के बाद मैथ टॉपिक कर लिया कवर। तो 12 बजे के बाद मैं मॉक टेस्ट लगाता था डेली। मॉक टेस्ट लगाने के बाद मैं फिर मैं उसको एनालाइज करता था अच्छे से। इंग्लिश इंग्लिश को किस तरीके से तैयार करना है, क्योंकि थोड़ा सा निग्लेक्टेड पोर्शन हो जाता है इंग्लिश, क्योंकि लगता है कि ये आसान भी है लेकिन कभी कभार थोड़ा टफ हो जाता है। इंग्लिश तो मैम जैसे मैं गांव से हूँ, तो मेरे को कुछ खास आती नहीं थी इंग्लिश, कवर नहीं हो पाती थी इंग्लिश मेरी। तो इसके लिए मैम पहले ग्रामर हमको करनी पड़ती है मैम, ग्रामर ग्रामर हो गया, वो वर्ड मीनिंग हो गया। तो जैसे बैंकिंग के अंदर जो इंग्लिश आती है वो ग्रामर एसएससी सीजीएल के जैसे जैसे मैम उसके अंदर इंग्लिश आएगी, वो मैम ग्रामर बेसिक पे आती है, ग्रामर के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। और जैसे वर्ड मीनिंग हो गए, एंटोनिम सिनोनिम वैसे आएंगे मैम सीजीएल के अंदर। तो और जैसे ईडीएम ईडीएम आएंगे, फ्रेजेस आएंगे, फ्रेजल वर्ब आएंगे सीजीएल के अंदर। लेकिन बैंकिंग के अंदर मैम आपकी मेरी जो रीडिंग थी, रीडिंग स्किल बहुत काम आती है बैंकिंग प्रिपरेशन के अंदर। तो बैंकिंग के अंदर रीडिंग मस्ट है मैम, वो तो आपको करनी करनी है, चाहे टाइम निकाल के आधा घंटा घंटा उसको मैं देता ही था इंग्लिश के लिए। अमन, एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स और मेंस कहते हैं एक साथ तैयार करना है, कैसे तैयारी होती है वो एक साथ? क्वेश्चंस आप लो लेवल लगाएं फिर हाई लेवल लगाएं, ये कैसे होता है? मैम इंग्लिश का तो मैम जैसे आपको बता ही दिया, तो मैथ के अंदर जैसे हम आते हैं, तो मैथ के अंदर मिक्स प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैम। जैसे टॉपिक वाइज करने से, टॉपिक वाइज तो हमने कर लिया एक बार, लेकिन उसको मिक्स भी करना जरूरी है। तो मिक्स के डेली के क्वेश्चन हमको लगाने ही पड़ेंगे मैम उसके अंदर। तो मैम मिक्स क्वेश्चन जैसे टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट हो गया, सेक्शनल मॉक टेस्ट क्वांट का, तो वो लगाता था मैम। तो मिक्स से क्या होता है हमारा फ्लो बन जाता है, तो उसको मैं कब उसको प्रिपेयर करता था मिक्स क्वेश्चन लगा के, तो उससे मैम फ्लो बन गया, मैथ मैथ मेरा इम्प्रूव हो गया। तो फिर मैंने मैम जैसे फरवरी के अंदर मैम कोचिंग ज्वाइन की थी एक मेरे ब्रदर के कहने पे, वो लगे हुए थे RRBPO, उन्होंने रिकमेंड किया भी आप कोचिंग ज्वाइन कर लो। तो मैंने विकास बांसल सर है मैम बठिंडा से, तो वहाँ पे वो टेस्ट बैच लाते हैं मैम कोचिंग के लिए, तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो वो उधर प्रैक्टिस करवाते हैं, स्पेसिफिक प्रैक्टिस करते हैं, सीट्स आती हैं मैम उनकी, सीटिंग सीटिंग होती है 6 6 घंटे की उधर, अप्रोक्स 6 घंटे। उसके अंदर अलग अलग शीट आएगी मैम, रीजनिंग की आएगी एक शीट, उसके अंदर पजल होगी, वो मैं करता था। फिर एक मैम 25 30 क्वेश्चन डेली के, उसके अंदर क्वांट के आते थे, तो वो मेंस लेवल के करवाते हैं सर सीट उधर विकास बंसल अकेडमी के अंदर, तो वो मैं डेली करता था। तो इंग्लिश का मैम और साथ में जैसे क्वांट का ही जैसे विकास बंसल सर खुद आप आके, तो वो करवाते थे क्वांट के क्वेश्चन जो नहीं हो पाए वो ब्लैक बोर्ड पे करवा देते थे मैम। इस तरह से मैम रीजनिंग की मैम डेली पजल हो गई, वो हो गई। तो इंग्लिश के भी ऐसे एक शीट आती थी, तो वो मैं सॉल्व करता था, उससे मैम इंप्रूव होगी इंग्लिश और ज़्यादा इंप्रूव होगी, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करनी उसके अंदर मस्ट है मैम बैंकिंग प्रिपरेशन के अंदर। तो वो मैं करता था। और एक शीट मैम वहाँ पर करंट अफेयर की मैम सर करवाते थे, नंदन सर है उनका नाम, तो वो मैं डेली करता था, इससे मैम इम्प्रूवमेंट आ गई और मेरी स्पीड भी इंक्रीज हो गई। और जैसे पेपर नज़दीक आता था, तो वहाँ पर विकास मंचल अकेडमी के अंदर मॉक टेस्ट डेली प्री के प्रिंट होके आते थे, और वो सॉल्व करवाते थे सर, तो उससे मैम बूस्ट हो गई स्पीड। और प्री का मैम सभी अब की बार तो मेरे सभी एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, सिर्फ RRBPO को छोड़कर। तो जैसे मेंस भी मैंने अब की बार तो दिया IBPS PO का, उसमें गुड अच्छे अटेम्प्ट है मैम, वो भी हो जाएगा। SBA क्लर्क का मैम मेंस है मेरा 15 जनवरी को, ऐसे मैम प्रैक्टिस से ही मैम डेली करते हैं तो हो जाता है।
स्टडी आईक्यू गौरव सर का कितना अहम रोल रहा है? स्टडी आईक्यू तो बहुत अच्छा कराते हैं मैम गौरव सर। तो गौरव सर के जो क्वेश्चन मैं करके गया था वही एग्जाम में डायरेक्ट मैम रिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो ऐसा नहीं है कुछ आएगा नहीं। तो वैसे पहले मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म गया, मैं उनको देखा मैम, फिर मैंने स्टडी आई क्यू को, मैं वीडियो 2019 में ही जैसे मैं डिग्री कर रहा था उस समय स्टडी आई क्यू ग्रो कर रहा था, उसके 5 मिलियन कुछ यूट्यूब पे सब्सक्राइबर थे, तो मेरे के गौरव सर के वीडियो वहाँ पर अच्छे लग रहे थे और मैं देखता था डेली अलग अलग टॉपिक, जैसे इंटरनेशनल अफेयर के वीडियो हो गए वो मैं देखता ही देखता था। तो ऐसे मैम मेरे दोस्त ने एक स्टडी आई क्यू करंट अफेयर का वो कोर्स लिया होता, हमने दोनों ने शेयर किया मैम उसको कोर्स को, और दोनों एक साथ प्रिपरेशन करने लग गए। तो मैं उनसे पासवर्ड ले लेता था और जब मेरे को ज़रूरत होती थी तो वो करंट अफेयर मैं 3-4 बार तो वीडियो देखता था, जैसे मंथली जो 4 वीडियो आती हैं गौरव सर के करंट अफेयर की और बैंकिंग अवेयरनेस की आती हैं, तो गौरव सर हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वो कोई भी टॉपिक आए बैंकिंग अवेयरनेस का, आरबीआई के, जैसे जो भी उनका आरबीआई का वो मंथ के अंदर जो आता है मैम पीटीएफ फेक आती है, तो वो गौरव सर बहुत अच्छे से करवाते हैं। तो उससे आपके साथ की साथ मैम जैसे बैंकिंग के स्टैटिक बैंकिंग है वो भी कवर हो जाती है मैम, उससे अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है। तो गौरव सर तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत अच्छा करंट अफेयर कराते हैं। कई बार होता है लोग कहते हैं फ्री कंटेंट अवेलेबल है, फिर क्यों गौरव सर का कोर्स खरीदे? कुछ आप इस पे बताना चाहेंगे कि क्या डिफरेंस है उन फ्री कंटेंट में और गौरव सर के कोर्स में? गौरव सर जो करवाते हैं वो एक तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये तो मस्ट ही है मैम, वो तो आएगा ही आएगा। जैसे और क्वेश्चन है तो वो सिलेक्टिव मैम क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा नहीं भी कोई भी न्यूज आई उसको ही हमने करवा दिया, तो वो हर एक न्यूज तो पेपर में एग्जाम में आएगी नहीं, न्यूज वो आएगी जो इम्पोर्टेंट होगी। गौरव सर को ये सब पता है मैम कौन सी न्यूज इम्पोर्टेंट है कौन सी करवानी है, तो उससे मैम वो डिफरेंस है कुछ उसमें झलकता है मैम। ऐसी क्या खास बातें हैं जो आपको लगता है कि आपका आपका एग्जामिनेशन पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गया क्योंकि आपने इन बातों का ध्यान रखा? पहले तो मैम प्रैक्टिस, फिर जैसे आपका नहीं मेरा नहीं होता था कई बार मॉक टेस्ट अच्छा नहीं जाता था, तो उसके लेके मैं निराश नहीं होता था, मैं उसको एनालाइज करता था कहाँ गलती किया और वो क्वेश्चन मैं रिपीट रिपीट मोड में करता था, जैसे कोई नेक्स्ट टाइम वो गलती मत हो अगले मॉक टेस्ट में। 2 पॉइंट मॉक टेस्ट कितना लगाना है? मॉक टेस्ट में मैंने तो बहुत कम लगाए थे, ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए नहीं थे, प्री के मैंने लगाए थे ज्यादा, मेंस के लिए तो जैसे वो विकास बंसल एकेडमी के अंदर जो पीडीएफ देते थे प्रिंट करवा के, मेन तो मैं वही करता था मैं, और मॉक टेस्ट के लिए मैं सेक्शनल ज्यादा लगाता था, फुल मॉक टेस्ट मैंने बहुत कम लगाए हैं, एक दो मशा बहुत ओके से एक दो ही लगवाए हैं, सेक्शनल मैं ज्यादा लगाता था। और पजल पजल जैसे बैंक की रीजनिंग के अंदर पजल आती है तो पजल को तो डेली 1-2-3 बनानी बनानी थी। स्पीड और एक्यूरेसी का किस तरीके से तालमेल बना सकते हैं? क्वांट के मैम जैसे जैसे प्री प्री का एग्जाम देना है तो प्री और मेंस है, तो प्री का एग्जाम मेंस के साथ हम प्रिपरेशन करें तो प्री तो साथ के साथ हो जाता है, लेकिन प्री के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मैम, जैसे कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन है वो तो एग्जाम में आएंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैम मैथ क्वांट के अंदर, तो वो डेली 3-4 करनी करनी 10-10 प्रैक्टिस कर लेनी मैम। पूरी एग्जामिनेशन में बहुत पूरा प्रोसेस को समझना, पेशेंस रखना ये जरूरी है। एंड यू वर फर्स्ट टाइमर, किस तरीके पेशेंस तो से मैम पेशेंस परसिवरेंस बना के रखा था? पेशेंस और प्रिपरेंस तो बहुत जरूरी है मैम एग्जाम के लिए, हम ऐसे एग्जाम दे देते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, जैसे प्री एग्जाम दे दिया कोई तो उसके बारे में सोचते रहते हैं, दिमाग में तो अपने बैक एंड में चलेगा भी होगा क्लियर पास होगा या नहीं होगा, तो उसको मेंटेन करना है, जो जो एग्जाम दे दिया उसको भूल जाओ आगे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, तो यही एक रूल है मैम, इससे हो जाएगा मैम एग्जाम के लिए। नोट्स मेकिंग और रिवीजन का कितना रोल है? नोट्स मेकिंग मैंने जैसे क्वांट का मैम सेक्शन था उसके मैंने नोट्स सारे सारे टॉपिक्स के बनाए थे, तो जो मैं भूल जाता था तो उस नोट्स से मैं रिवाइज कर लेता टॉपिक वाइज क्वांट के, और रीजनिंग के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे वो तो मॉक टेस्ट ही हो जाएगी। इंग्लिश के लिए मैम वर्ड मीनिंग मैंने जैसे डेली मैं करंट वो
न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसके अंदर जो वर्ड नहीं आ रहा तो मैं कॉपी पे राइट कर लिखता था मैम उनको, 10-15 वर्ड मीनिंग डेली लिखता था। और इंग्लिश के लिए मैं मैंने वो जो वर्ड पावर बुक खरीदी थी उसके भी वर्ड मीनिंग मैं कॉपी पे नोट करता था। मैं नोट्स मेकिंग तो मेरे तो काम आई है, मैं नोट्स मेकिंग। अमर, हम सेशन के एंड में हैं, सभी के लिए कुछ फाइनल टिप सजेशन आप देना चाहेंगे? मैम हम लगे रहेंगे तो डेफिनेटली मैम एग्जाम क्लियर होंगे। इसके लिए हमको थोड़ी वेट करनी पड़ सकती है, लेकिन एग्जाम तो डेफिनेटली क्लियर होंगे। और गौरव गौर सर के करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है वो तो करने ही करने चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। थैंक यू सो मच अमन फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।